हालोवीन फैंसी ड्रेस। गट्टू चिंकी और बाकी सारे बच्चे ग्राउंड में खेल रहे थे। ओह, मैं तो थक गई दोस्तों, चलो अब एक ब्रेक लेते हैं ना। क्या गुड्डी, इतनी जल्दी थक गई तुम? चलो अच्छा आओ, थोड़ी देर सब लोग साथ में बैठते हैं। फिर सारे बच्चे साथ में ग्राउंड पे ही बैठ जाते हैं। दोस्तों, हेलोवीन आ रहा है, कुछ सोचा क्या तुम लोगों ने? क्या करेंगे हम, कैसे सेलिब्रेट करेंगे? अच्छा याद दिलाया तुमने हरी, हम सबको मिलकर कुछ एक्साइटिंग सा सोचना चाहिए। फिर सारे बच्चे सोचने लगते हैं कि हैलोवीन पे क्या करना है। एक काम करते हैं ना, हॉरर मूवी नाइट प्लान करते हैं। अरे नहीं नहीं बंटी, हॉरर मूवी नहीं देख सकते, हमारे मम्मी पापा डांटेंगे। तो फिर कहीं बाहर चले क्या हैलोवीन पार्टी करने? अरे हम अकेले बाहर कैसे जाएंगे गुड्डी, और हैलोवीन पे कहाँ किसी के पेरेंट्स को छुट्टी मिलेगी, कुछ और सोचते हैं ना। ओ ये कैसा रहेगा, हैलोवीन फैंसी ड्रेस। वाह देखा है ना, मस्त आइडिया। हम कॉलोनी में एक फैंसी ड्रेस रखते हैं, पर स्पेशल बात ये होगी कि सब बड़े भी इसका पार्ट बनेंगे। ओ पर क्या सारे बड़े लोग मानेंगे? हाँ चलो अभी चल के हम सब अपने अपने पेरेंट्स से बात करते हैं। सब बच्चे फैंसी ड्रेस में पार्ट लेंगे और बड़े ब्लैक कलर का आउटफिट ही पहनेंगे। ओके ओके। फिर सब बच्चे अपने अपने घर जाते हैं। मम्मी मम्मी मम्मी। हाँ गट्टू, मैं यहाँ हूँ बालकनी में, बताओ क्या हुआ? मम्मी हैलोवीन आ रहा है, और इस बार हम सब बच्चों ने डिसाइड किया है कि हमें फैंसी ड्रेस पार्टी रखनी है। ओ तो ये तो अच्छा आइडिया है, गुड। हाँ मम्मी, हम चाहते हैं कि सारे बड़े लोग भी हमारी इस पार्टी का हिस्सा बने और साथ में हैलोवीन सेलिब्रेट करें। अरे तो इसमें बुराई ही क्या है, बस तुम लोग पार्टी शाम को रखना ताकि सब लोग फ्री रहे, है ना? मम्मी हमने सोचा है कि सारे बड़े लोग एक थीम फॉलो करेंगे जिसमें ब्लैक कलर की ही ड्रेस पहननी होगी, कैसा रहेगा? ये तो थोड़ा मुश्किल हो सकता है, क्योंकि पता नहीं सबके पास ब्लैक ड्रेसेस हो या ना हो। अरे मम्मी हम पहले एटलीस्ट ट्राई करके तो देखते हैं। हाँ ठीक है बच्चों, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम लोग बस शाम को एक बार पापा से भी बात कर लेना। ओके मम्मी, थैंक यू मम्मी। फिर गट्टू चिंकी खुशी से उछलते कूदते हुए अपने सभी दोस्तों को कॉल करते हैं, ये जानने के लिए कि किसके किसके पेरेंट्स मान गए हैं, और लगभग सारे लोग मान गए थे। ये सभी लोग पार्टी के लिए मान गए हैं, पर हमें पार्टी स्नैक्स और म्यूजिक की भी अरेंजमेंट करनी होगी। गट्टू तुम्हारी पार्टी के लिए स्नैक्स मैं बना दूंगी, और सेक्रेटरी अंकल के पास बहुत अच्छे स्पीकर्स हैं, तो म्यूजिक के लिए तुम उनसे बात कर लेना, ठीक है? ओह फिर तो सारी प्रॉब्लम सॉल्व। सारे लोग हैलोवीन पार्टी के लिए इकट्ठे हो जाते हैं। गट्टू चिंकी गुड्डी बंटी मिलकर मम्मी के बनाए हुए स्नैक्स एक एक करके पार्टी में लाते हैं। सेक्रेटरी अंकल अपने घर से स्पीकर्स ले आए थे। सारे बच्चे हैलोवीन के स्पेशल कॉस्ट्यूम्स में थे। चिंकी एक छोटी सी विच बनी हुई थी, और गट्टू एक पंपकिन। गुड्डी भी विच बनी थी जिसके पास एक जादू की छड़ी थी। हरी ने स्केल्टन वाला कॉस्ट्यूम पहन रखा था। बंटी के पास एक झाड़ू था जिसमें उसकी सारी मैजिकल पावर्स थी। सारे बच्चे एक दूसरे को देखकर हंसते हैं। गट्टू तुम्हारा आउटफिट तो तुम पे बहुत सूट कर रहा है। लेकिन चिंकी तुमसे कम। सारे बड़े लोगों ने भी ब्लैक कलर की ड्रेस पहन रखी थी। वाओ कितना सुंदर डेकोरेशन हुआ है ना, यकीन ही नहीं हो रहा है कि इन बच्चों ने मिलकर किया है। हाँ भाई मानना पड़ेगा ये तो कि डेकोरेशन सच में कमाल का हुआ है। देखा मम्मी पापा, हम बच्चों का कमाल। हाँ भाई हाँ, मान गए तुम्हें। फिर गट्टू और चिंकी एक बड़ा सा बॉक्स लेकर आते हैं जिसमें बहुत सारे डेविल हॉर्न हेडबैंड्स थे, जिसमें एलईडी लाइट्स लगी हुई थी। अरे ये क्या है बच्चों? पापा इसी से तो हैलोवीन पार्टी का असली फील आएगा, ये हेयरबैंड्स लगा के हम सब एक जैसे लगेंगे और फिर खूब डांस करेंगे। वाह बच्चों ये हेयरबैंड्स तो सच में बहुत मजेदार चीज ला रहे हैं। फिर सारे बच्चे हेयरबैंड को सब बड़ों में बांट देते हैं, और सब लोग हैलोवीन पार्टी के लिए रेडी थे। आओ बच्चों, मैंने स्पीकर सेट कर दिए हैं, चलो सब मिलकर डांस करते हैं। खूब म्यूजिक बजता है, सारे लोग मजे से डांस करते हैं। लगभग आधे घंटे तक लगातार डांस होता है। ओह मैं तो थक गया पर मजा आ गया। हाँ
सब ने क्या मजेदार डांस किया। चलिए अब सब लोग कुछ स्नैक्स खा लीजिए, आइए मैं सबको सर्व कर देती हूँ। मम्मी के बनाए स्नैक्स देखकर सब लोग हैरान हो जाते हैं। मम्मी ने बहुत क्यूट क्यूट हेलोवीन इंस्पायर्ड स्नैक्स बनाए थे। ओ वाओ मम्मी, ये स्नैक्स तो काफी अलग है, ऐसे तो पहले कभी नहीं बनाया आपने। हाँ बच्चों, मैंने सोचा कि सारी पार्टी हेलोवीन की थीम पे बेस्ड है, तो क्यों ना स्नैक्स भी उसी के हिसाब से बने। इसीलिए मैंने थोड़ी सी रिसर्च करके इन्हें बनाया है। आप सब टेस्ट करके बताइए कि कैसा बना है। सब लोग स्नैक्स खाते हैं। अरे वाह मम्मी, ये तो बहुत ज्यादा यमी है। हाँ मम्मी, मजा आ गया, कितना डिफरेंट टेस्ट है इनका। ओ थैंक यू बच्चों, मुझे खुशी है कि तुम्हें पसंद आया। सारे बच्चे और बड़े मम्मी के स्नैक्स की खूब तारीफ करते हैं और इंजॉय करते हैं। अच्छा, अब पार्टी का फाइनल पार्ट आ गया है। सब बच्चे पापा को सरप्राइज होके देख रहे थे, क्योंकि उन्हें इस प्लान के बारे में कुछ भी नहीं पता था। कौन सा पार्ट पापा? हाँ पापा, हमने तो और कुछ प्लान नहीं किया है। अरे पर मैंने तो किया है ना बच्चों। तुम लोगों ने इतनी मेहनत करी, इतनी सारी प्लानिंग्स करी, तो एक छोटा सा सरप्राइज तो मैं भी दे सकता हूँ ना। रुको, मैं अभी आता हूँ। फिर पापा जाते हैं और एक बड़ा सा पंपकिन शेप केक लेकर आते हैं, जिस पर हैप्पी हैलोवीन लिखा हुआ था। वाओ पापा, इतना बड़ा केक। हाँ बच्चों, ये मेरी तरफ से आप सबके लिए एक छोटा सा गिफ्ट। सारे बच्चे केक देखकर बहुत खुश होते हैं और फिर सब केक काटकर हैलोवीन सेलिब्रेट करते हैं। मजा आ गया, ये अब तक का सबसे बेस्ट हैलोवीन था। हाँ गट्टू, बिल्कुल ठीक कहा तुमने। इसी तरह गट्टू चिंकी की हैलोवीन पार्टी हंसते खेलते और खाते हुए खत्म होती है। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें